मैं कविता से शुरू करूंगा। वो कविता मेरी परिचय है। ये ऐसा ही है कि मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, बिखरे होते हैं तो बिखर जाता हूँ, निखरे होते हैं तो निखर जाता हूँ, अपनी अना अपना होना दूसरों पे नहीं जताता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, दोस्तों के संग मैं दोस्तों सा हो जाता हूँ, हवा का झोंका हूँ हवाओं में हो जाता हूँ, अकेले होता हूँ तो खुद से हो जाता हूँ, अकेले होता हूँ तो खुद से हो जाता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, आँख बंद करूँ तो पूरा हो जाता हूँ और आँख खोलूँ तो अधूरा हो जाता हूँ, मुलाकातों से मैं बनता जाता हूँ, इंसानों से मिलते मिलते मैं इंसान होता जाता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ। तो इस सत्र का नाम गाने का नाम ही है, तो मैं उस गाने से शुरू करता हूँ। एक छोटी सी कहानी है और मुझे वो बताने का मन इसलिए कर रहा है क्योंकि बिल्कुल माहौल ऐसे ही था उस वक्त जब मैंने गाना लिखा। मतलब मैं मेरे एलुमनाई का बुक लॉन्च था साउथ बॉम्बे के क्रॉसवर्ड में और Q&A सेशन शुरू हुआ, तो मैं क्यू में लग गया। मुझसे पहले किसी ने हिंदी में सवाल कर लिया। अब हिंदी में क्या सवाल कर लिया, तो लोग पीछे मुड़ के थे कि भैया ये कौन है हिंदी में बात कर रहा है, साउथ बॉम्बे जो ठहरा। तो मेरी हिचक बढ़ गई, मैंने नहीं पूछा सवाल। फिर गुस्से और शर्म में इस कैफियत में मैंने वापस जाते हुए गाना लिखा। न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, आ हिंदी बोले तो बोले के गवार है, आ हिंदी बोले तो बोले के गवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, तो बोले के आ हिंदी बोले तो बोले के गवार है, आ हिंदी बोले तो बोले के गवार है, आ हिंदी बोले तो बोले के गवार है, जुबां से आज भी देखो तो ये गुलाम है, जुबां से आज भी देखो तो ये गुलाम है, जुबां से आज भी देखो तो ये गुलाम है, आ फिर भी घूमे बने राजा सरे आम है, आ फिर भी घूमे बने राजा सरे आम है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, हाँ हिंदी बोले तो बोले के गवार है। फिर साथ में गाते हैं। जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है, अंग्रेजी कोई सुनार है, जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है, जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है, अकाम आए तो भैया बस लोहार है, अकाम आए तो भैया बस लोहार है, छोरी से अंग्रेजी में जो लड़खड़ात है, ये जेंडर न्यूट्रल कर देते हैं, प्रेमी से अंग्रेजी में जो लड़खड़ात है, प्रेमी से में जो लड़खड़ात है, प्रेमी से अंग्रेजी में जो लड़खड़ात है, तुहार प्यार की ना कौनो औकात है, तुहार प्यार की ना कौनो औकात है, फुआरा आंगन में पिलाए थी लगात है, फुआरा आंगन में पिलाए थी लगात है, फुआरा आंगन में पिलाए थी लगात है, आ फिर भी फूटे बेटा पानी तो हमार है, आ फिर भी भूटे बेटा पानी तो हमार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, कब से अंग्रेजी भूत सवार है, हाँ हिंदी बोले तो बोलेंगे गवार है,
हिंदी बोले तो बोले के गवार है, हाँ हिंदी बोले तो बोले के गवार है। देखिए मुझे एक पत्रकार है, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि गीत तो वो होता है जो कलाकार गाता है, लोग जब साथ आते संगीत हो जाता है। ठीक है, है ना? तो आज हम संगीत करने आए हैं, गीत करने आए हैं, संगीत करने आए ना, है ना? तो फिर चलिए, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत बोल चुके हैं। तो आप में से कचहरी कौन कौन गया है? अरे कोर्ट होता है भैया। कोर्ट कौन कौन गया है? हाँ अच्छा, और कौन कौन नहीं गया? बाकी सब नहीं गए होंगे। ठीक है, मैं जेल नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये गाना समझ लीजिए, जो कचहरी गया है वो उसको सुना रहा है जो नहीं गया है। ठीक है, तो अगर इस जॉनर का नाम हम रखेंगे तो जॉनर का नाम चबूतरा रखेंगे, मतलब मिल साथ में मिल बैठ के गाने वाले गाने। अभी तबला ढोलक नहीं है, मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं उम्मीद में हूँ कि आप साथ में हैं। ठीक है, भले डांट घर में तू बीबी की खाना, भले जैसे तैसे गृहस्थी चलाना, भले जाके जंगल में धुनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। गाइस आ गए, कचहरी की महिमा निराली है बेटे, निराली है बेटे, कचहरी वकीलों की थाली है बेटे, कचहरी वकीलों की थाली है बेटे, पुलिस के लिए छोटी साली है बेटे, पुलिस साली है बेटे, यहाँ पैरवी अब दलाली है बेटे, यहाँ पैरवी अब दलाली है बे। कचहरी शरीफों के खातिर नहीं है, उसी की कसम लो जो हाजिर नहीं है, हाजिर नहीं है, है बासी मुघर से बुलाती कचहरी, बुला करके दिन भर रुलाती कचहरी, बुला करके दिन भर रुलाती कचहरी, कचहरी तो गुंडों की खेती है बेटे, यही जिंदगी उनको देती है बेटे, खुले आम कातिल यहाँ घूमते हैं, सिपाही दरोगा चरण चूमते हैं, सिपाही दरोगा चरण चूमते हैं, भले डांट घर में तू बीबी की खाना, भले जैसे तैसे गृहस्थी चलाना, भले जाके जंगल में धुनी रमाना, भले जाके जंगल में धुनी रमाना, मगर मेरे मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना।
अच्छा, एक कविता सुनाए, ये प्रेम कविता है, ये मेरी सच्ची, मेरी पहली और आखिरी महबूबा पे है। मैं चाहता हूँ आप गौर करें, आपकी ना निकल जाए कहीं। ये तो भतेरे रिश्तों से गुजरने के बाद, भतेरे रिश्तों से गुजरने के बाद मुझे आज जाकर मेरी सच्ची महबूबा मिली है। वो मेरे साथ कब से थी ये बात भी मुझे आज जाकर पता चली है। मैं जान गया हूँ कि मेरी नींद ही मेरी सच्ची महबूबा है। वो रात को आती है, ख्वाब दिखाती है, अक्सर बिस्तर पे ही आती है। उससे नहीं मिलो तो पूरा दिन खराब कर जाती है। मशहूर मोहब्बतों की तरह हमारी मोहब्बत भी बदनाम है। लोग कहते हैं जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा, उन्हें कौन बताएं। इनसे नखरे करें तो जाने मन जान भी ले जाती हैं। मेरी नींद दबे पांव आती है, चोरी छुपे आती है। मैं कहीं बोर हो रहा हूं अगर तो मुझसे मिलकर चली जाती है। मिली होगी आपको शायद आज। कभी कभार शर्मो आया छोड़ दिन दहाड़े आ जाती है। सबके सामने पकड़े जाने पर मेरी नाक खूब कटवाती है। मेरी नींद मुझे पूरी तरह से चाहती है, मेरी नींद मुझे पूरी तरह से चाहती है। मुझे किसी और से इश्क हो जाए तो नींद भी नहीं आती है। हमारा रिश्ता मेरे जितना पुराना है तो सही मायने में नींद ही मेरी जीवन साथी है। मुझे लगता है हमारी मोहब्बत का सिलसिला जिंदगी भर चलता रहेगा। हम हर रोज हर रात मिला करेंगे और कभी कभी चोरी छुपे दोपहर में भी मिल लिया करेंगे। और एक दिन जब से कोई दिन ना होगा, जब जीने के लिए और कुछ ना होगा, मैं नींद का पूरी तरह से हो जाऊंगा। इसीलिए अभी माहौल बहुत प्यारा है, गुलाबी ठंडक सी है, मुझे नज्म गाने का मन कर रहा है। ये नज्म मैंने बनारस में लिखी थी। और मतलब मैं नहीं मानता कि ब्रेकअप कुछ होता है। मुझे लगता है रिश्ते बस खो जाते हैं। और ऐसे एक रिश्ता खो गया था तो जगजीत जी और गालिब साहब के साथ बैठा था मैं रात को। मतलब साथ में खो जाते, क्या जमाना आ गया, लोग कैसी मोहब्बत कर रहे हैं आजकल। तो खैर, नज़्म है बहुत सुंदर सी, नज़्म है, साथ में गाएंगे। जमाना चला गया है,
वो मोहब्बत अब कहाँ है, अब कहाँ है। यहाँ सब लोग समझदार हैं, दीवानगी बोलो कहाँ है। सब लोग समझदार हैं, दीवानगी बोलो कहाँ है। ओ मोहब्बत अब कहाँ है, यहाँ सब लोग समझदार हैं, दीवानगी बोलो कहाँ है। वो दिन कब के चले गए हैं, इंतजार करते थे कभी, वो दूरी कब की नहीं रही है, करीब लाती थी कभी। आज हमें फुर्सत कहाँ है, आज हमें फुर्सत कहाँ है। आज यहाँ है तो कल वहाँ है, वो जमाना चला गया है। वो मोहब्बत अब कहाँ है, यहाँ सब लोग समझदार हैं, दीवानगी बोलो कहाँ है। ओ वो मोहब्बत अब कहाँ है, यहाँ सब लोग समझदार हैं, दीवानगी बोलो कहाँ है। आप में से कौन कौन लिखता है, मतलब कविताएं गजल वगैरह कोई लिखता है? अच्छा, तो मैं एक्चुअली, मुझे याद है, मैं लास्ट टाइम जब BPF में बैंगलोर पोइट्री फेस्टिवल में आया था, तो कोई तो शख्स था जो गजल पे बड़ी वो कर रहा था, टिप मतलब कटाक्ष कर रहा था,
गदल क्या है, मीटर जान लो सब आ जाता है, भाव का है, आजकल भाव का है। तो खैर तो मुझे भी जब आप लिखते हैं तो आपका मन करता है कि आप भी गज़ल लिखें, क्योंकि गज़ल बड़ी सुंदर फॉर्म है। तो मैं कुछ लिखने लगा, मुझे लगा यार गज़ल जैसी लग रही है। तो मैंने सुनाया कुछ शायरों को, बोला बेटा ख्याल बड़ा अच्छा है, गज़ल नहीं है। तो मुझे लगा यार फिर इसका कुछ नाम, इसका कुछ किसी कुछ पहचान तो होनी चाहिए, कब तक लावारिस घूमेगी ऐसी। तो मुझे लगा इसका नाम हम कर देते हैं गज़ल फहमी, हमें गज़ल फहमी हो गई ऐसा। तो एक ऐसी गज़ल फहमी मैं अभी बस पढ़ रहा हूँ, कि मैंने लॉकडाउन में लिखी थी। मतलब लॉकडाउन में हम सब, मतलब मुझे एंग्जाइटी पैनिक अटैक पहली बार आया था, तो इसको लिख के मैंने खुद को आज़ाद किया था। तो ऐसा था कि आज का दिन मैंने यूं ही जाने दिया है, आज का दिन मैंने यूं ही जाने दिया है, रोज़ रोज़ कोसना अब मैंने जाने दिया है, आज का दिन मैंने यूं ही जाने दिया है। कामयाब हो हर दिन ये कैसी रट लगी है, कामयाब हो हर दिन ये कैसी रट लगी है, ज़माने की ज़िद को अब मैंने जाने दिया है, आज का दिन मैंने यूं ही जाने दिया है। जैसे सफ़र हो कोई रेल का खिड़की किनारे, आप खिड़की किनारे अगर बैठे हैं रेल के सफ़र में, जैसे सफ़र हो कोई रेल का खिड़की किनारे, आते जाते शहरों को मैंने आने जाने दिया है, आते जाते शहरों को मैंने जाने दिया है, आज का दिन मैंने यूं ही जाने दिया है। आप हर शहर पे थोड़ी ना उतरते हैं, है ना, हर दिन पे भी नहीं उतरना है आपको। तो आज का दिन मैंने यूं ही जाने दिया है। हर सपना सच हो ये ज़रूरी तो नहीं, कुछ सपनों को अब मैंने यूं ही जाने दिया है, आज का दिन मैंने यूं ही जाने दिया है। इतनी सी बस, मैं एक कविता सुनाऊंगा फिर हम थोड़े मजबूत गानों पे आएंगे। और इस, जैसे मैंने कहा कि लॉकडाउन में जो जो चीज़ मुझे दिखी उस सब मैंने कविता लिखी। एक और चीज़ दिखी थी, वो थी तोंद। तो तोंद पे कविता लिखी थी, वो ऐसी दिखी, बड़े हो जाने पर लड़कों का भोलापन गालों से उतर के तोंद बन जाता है। जैसी अपनी इच्छा का ना हुआ हो तो बच्चे मुंह फुला लेते हैं, उसी तरह बड़े जो समझदार हो चुके हैं, नाराज़गी को चेहरे पे नहीं आने देते, वो तोंद फैला लेते हैं। अब नाराज़गी है तो छुपेगी कैसे, तोंद को भी ये कब तक छुपा सकते हैं। तोंद अक्सर दिखती है बनियान और शर्ट से झांकते हुए, तो कभी पूरी नग्न अवस्था में बाहर की हवा लेते हुए, अपना रूप समाज को दिखाते हुए कि देख जिस आग को तूने इसकी ख्वाहिशों में नहीं लगने दिया, वो अब खाना पचाने में लगी है। तोंद हमारी सभ्यता का झंडा बन चुका है, सब लोग लहराते हुए फिरते दिखते हैं सर। बतेरी प्रकार की तोंदें होती हैं, कुछ तोंद होती हैं जो अपनी ख्वाहिशें खा के बनती हैं, जैसे होती झोला तोंद, वो आती जाती रहती है। एक होती है मटका तोंद, उससे आप आज़ाद नहीं हो सकते। कुछ तोंद होती हैं जो दूसरों की ख्वाहिशें खा के बनती हैं, जैसे ताऊ की तोंद, घर के सदस्यों की ख्वाहिशें खा के। कुछ होती है सियासी तोंद, नेताजी की तोंद, जो जनता की ख्वाहिशें खा जाते हैं। पहले तो कम्बक दोस्त भी, हाँ दोस्त से जब मिलते थे तो हाथ मिलाकर मिलते थे, आजकल वो लोग भी कम्बक साले तोंद से हिला के मिलते हैं। पहले चेहरा देखा करते थे आईने में, आजकल तोंद देखा करते हैं, कितनी बड़ी कितनी घटी। तो तोंद घटाने वाले तुम एक बात समझ लो, तुम जितना भी चाहे तोंद बेल लो, तुम जितना भी चाहे व्रत रख लो, तुम जितना भी चाहे जिम कर लो, जब तक अपने मन का नहीं करोगे, मैं साक्षात इसी रूप में समाज में फूलूंगा, फैलूंगा और बढ़ूंगा। ठीक है, अगला गीत जो है ये थोड़ा पर्सनल पॉलिटिकल है, और उस पर आने से पहले मैं इस बात पे आना चाह रहा था, क्योंकि ये बहुत अहम बात है जो हम जान नहीं पाते, लेकिन बहुत, आपने संवाद शब्द सुना होगा, है ना, इसका अर्थ क्या है आपके लिए? डायलॉग कॉन्वर्सेशन, इससे थोड़ा आगे है। डायलॉग कॉन्वर्सेशन का अगर अनुवाद करें तो वो है वाद,
वाद, नहीं मतलब, तो जैसे वाद से आप विवाद की ओर भी जा सकते हैं, संवाद की ओर भी जा सकते हैं। कभी भी देखिए सही गलत के बीच में लड़ाई नहीं होती है, सही और सही के बीच में लड़ाई होती है। ठीक है, कुछ सही है आपकी जगह, कुछ सही है मेरी जगह, हमारी जगह क्या सही है ये खोजना संवाद है, ये कॉमन ग्राउंड बोल देने से। ठीक है, अब मैं ये इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग लड़ते भिड़ते दिख रहे हैं आजकल, है ना, मतलब तो अपने जब आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो भाई या तो आप लड़ दोगे, आप बात मनवाओगे, दूसरा है या तो आप नमस्ते भैया हम चले अपने रास्ते, तीसरा है कि आप ये कर सकें संवाद। और संवाद सिर्फ प्रेम से हो सकता है और किसी तरीके से नहीं हो सकता। मतलब शास्त्रों में जो भारतीय शास्त्र में संवाद का जो व्याख्या की है उसमें बोला है कि हायर परस्यूट ऑफ ट्रुथ इस संवाद मिलता है। मुझे लगता है कि वो सारा सेल्फिश ख्याल है, प्रेम से होता है। अगर आपको उस रिश्ता, आपको रिश्ता चाहिए तो आप संवाद करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। खैर, तो ये गाना जो है ये इसका नाम है गलत सलत, और बताते हैं भाई इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए, बेस दे दीजिए मुझे, सुना नहीं रहा। सवाल सब गलत सलत, जवाब सब गलत सलत, हुजूर सब गलत सलत, जनाब सब गलत सलत। सवाल सब गलत सलत, जवाब सब गलत सलत, हुजूर सब गलत सलत, जनाब सब गलत सलत। न तुम सही ना हम सही, न खुशी सही ना गम सही, ना तुम सही ना हम सही, न खुशी सही ना गम सही, हुजूर सब गलत सलत, जनाब सब गलत सलत, हुजूर सब गलत सलत, जनाब सब गलत सलत। है सुबह चुप शाम चुप, अवाम चुप निजाम चुप, गमों पे बेगमात के है शाह चुप गुलाम चुप, है दौरे बेहसी कोई जुबान खोलता नहीं, है दौरे बेहसी कोई जुबान खोलता नहीं। न जाने कैसा शोर है रहीम चुप है राम चुप, तमाम से फिजूल की चली ना एक शूल की, तमाम से फिजूल की चली ना एक शूल की, रखे है बागबान में गुलाब सब गलत सलत, हुजूर सब गलत सलत, जनाब सब गलत सलत, हुजूर सब गलत सलत, जनाब। चला जो तीर बेसबब, बहा जो नीर बेसबब, उठी जो अहले अमन की दिलों में पीर बेसबब। कहीं पे कुछ बड़ा नहीं, कहीं पे कुछ घटा नहीं, कहीं पे कुछ बड़ा नहीं, कहीं पे कुछ घटा नहीं, यहाँ पे मीर बेसबब, यहाँ कबीर बेसबब। न जाने क्या लिखा गया, न जाने क्या पढ़ा गया, जहाँ में आरो अमन की किताब सब गलत सलत, सवाल सब जवाब सब, हुजूर सब जनाब सब गलत सलत, सवाल सब गलत सलत, जवाब सब गलत सलत, हुजूर सब गलत सलत, जनाब सब गलत सलत, सवाल सब गलत सलत, जवाब सब गलत सलत, हुजूर सब गलत सलत, जनाब।
करते क्या, सही तेरा ही मर्तबा सही भी यहाँ खुदा सही, मगर तेरे निजार में कमी तो कुछ जरूर है, कमी तो कुछ जरूर है। सवाल सब जवाब सब हुजूर सब जनाब सब गलत सलत, सवाल सब गलत सलत जवाब सब गलत सलत सब गलत सलत जना। ठीक है, मैं लगता मैं बस समय कम है तो मैं नूरी से आपका परिचय कराता हूँ। ठीक है, और ये नूरी है, ये एक नया वाद्य है जो ये मैंने खुद बनाया है, मतलब हाथ से वगैरह। और अच्छा ओके, इसमें इसकी कुछ खूबियां हैं कि आप इसमें चल रहे इसमें तो इसको आप कई तरीके से बजा सकते हैं, जैसे इसमें आप रबाब अंग बजा सकते हैं, आप इसमें सरोद अंग बजा सकते हैं, जैसे आवाज बहुत कम है, कॉर्ड्स बजा सकते हैं, सब गिटार में बजाते हैं। देखिए माइक्रोटोनल पॉलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप ऐसे भी बजा सकते हैं। तो यार तो ये जो गीत है जो मैं भी सुनाने वाला हूँ, इसका नाम है इश्क प्रेम मोहब्बत। उसको शुरू करने से पहले आज जहन में बहुत वक्त से एक गजल मैंने लिखी थी, वो बोलने का मन कर रहा है बस। थोड़ी सी और बढ़ सकती है बस। तो वो गजल ऐसी है कि कि
ये गजल मैंने मैं जिस रिश्ते में था उस मैंने तब लिखना शुरू किया था, लेकिन मुझे डर था कि ये सच्ची हो जाएगी, और वो हो गई जब तब मैंने गजल पूरी करी। तो ऐसी थी कि क्या प्रेम मुझको ऐसा दोबारा होगा, क्या तेरे जैसा कोई दोबारा होगा, याद आएगी तो फिर क्या करेंगे हम, क्या मिलना अब हमारा दोबारा होगा, तुमको चाहा मैंने कितना चाहा, किसी को इतना चाहना दोबारा होगा। रह कि प्रेम को पसंद के पार जाना होगा, प्रेम को पसंद के पार जाना होगा, ये हादसा वगरना दोबारा होगा। मुझे लगता है इश्क प्रेम मोहब्बत सब एक ही चीज है, अगर फर्क है तो प्रेम और पसंद में। हम खामा इश्क और प्रेम और मोहब्बत को अलग अलग मतलब देते रहते हैं। फिर आखिरी, नहीं हो सकता अब मैं किसी और का यहां, क्या प्रेम तुमको मुझसे दोबारा होगा, क्या प्रेम तुमको मुझसे दोबारा होगा। अब मैं सुनाता हूं इश्क प्रेम मोहब्बत। इसकी छोटी सी भूमिका ऐसी है कि मैं अपनी एक्स को अपना प्रेजेंट रिलेशनशिप डिस्कस करता हुआ पाया गया था। हमारा तो यार मुझे प्रेम है पागलपन की कौन बताएगा। उसने बोला कभी शी विल नो इट व्हेन इट इज लव। मैं तिलमिला सा गया, मैंने घिसी पिटी बातें हैं यार ये। फिर मुझे लगा कि ऐसा कौन है जो जानता है कि प्रेम क्या है, सब बस कर ही तो रहे हैं। अबे प्रेम में पीएचडी करने चले तो बैचलर्स ही रह जाएंगे। तो कर करके जानेंगे ऐसा। गलत समय पे होती, गलत समय पे होती, सही वक्त आए ना, सही वक्त आए ना, आए ना, सही वक्त आए ना, आए ना, आए ना। साथ में गाएं। बड़ी पुरानी फितरत है मोहब्बत की, फितरत है मोहब्बत की।
गलत समय पे होती, सही वक्त आए ना, सही वक्त आए ना। सही वक्त आए ना, आए ना, आए ना। दूसरा बंद लेते हैं। क्या मजाल है अक्ल की इश्क के सामने, क्या मजाल है अक्ल की इश्क के सामने, कुछ समझ आए ना, समझ कुछ आए ना, कुछ आए ना, कुछ समझ आए समझ आए ना, आए ना, आए ना। नहीं हुआ यहां जो समझ पाया प्रेम है क्या इश्क है क्या, नहीं हुआ यहां जो समझ पाया प्रेम है क्या इश्क है क्या, कर करके जानेंगे हाँ, कर करके जानेंगे, जितना हम करेंगे उतना हम जानेंगे, उतना हम जानेंगे। आएगा कुछ समझ आएगा, कुछ समझ आएगा, मजा बहुत आएगा, आएगा आएगा, मजा बहुत आए, मजा बहुत आए, टाइम्स अप लिख के आ गए यहाँ पे, ठीक है। मैं बलमोर मिल गए, है ना। अरे मेरा भी मन कर रहा बैठने का। तो खैर मुरी पैसे ना कुछ भाई, ये या तो चल नहीं रहा, मतलब बहुत धीमे चल रहा है। प्रेम की बात करी, बाप रे हाँ, वीरस चल रहा है, वीरस। तो प्रेम हमारा अरे भाई, तो
प्रेम हमारा स्वभाव है, प्रेम ही परम भाव है। आपकी जिंदगी को दिशा और दशा देने वाली दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी आरजू और एक होता है आपका डर। आरजू, आप उसके सिवाय क्या जी सकते हैं, और डर आपकी हदें तय करता है, आरजू आपको दिशा देती है। ये गाना आरजू पे है। एक दिन में हम कितने दिन जीते हैं, और एक दिन हम कितने दिनों तक जीते हैं। आरजू से मेरा हर दिन है जैसे, आरजू मेरे दिन का सूरज है जैसे, जितनी आरजू सीने में घर कर रही हैं अभी, मुझे लगता है उतने दिन जी रहा हूं मैं अभी। आरजू जब अंजाम तक पहुंच जाती है तो शम्मा मेरी शाम हो जाती है। शाम का वक्त मुलाकात का होता है, कभी कभार कई दिनों तक शामें नहीं होती हैं, कभी कभार एक ही दिन में कई शामें हो जाती हैं। जिसके लिए जी रहा हूं, जिसके लिए जी रहा है मेरी वो आरज़ू, जिससे दुनिया में नूर है मेरी वो
दुनिया की भी वो आरजू। आरजू है मेरी तो दुनिया की भी वो आरजू। आरजू है मेरी तो दुनिया की भी वो आरजू। हाँ दीवाने हम हुए, हाँ दीवाने हम हुए, अपनी आरज़ू के हुए। हाँ दीवाने हम हुए, अपनी आरज़ू के हुए, है दीवानगी। आपका बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है।